बारिश की राह देखने वाली जनता को सोमवार को हुई बारिश ने खुश कर दिया। लंबी छुट्टी पर गई हुई बारिश ने सोमवार को दमदार एंट्री की। हालांकि पनवेल शहर में इस बारिश के कारण कहीं पे खुशी तो कहीं पे गम दिखाई पड़ा। बारिश के कारण पनवेल की जनता ने तो खुशी जाहिर की, लेकिन पनवेल नगर पालिका पर नाराजगी भी जाहिर की और नगर पालिका के अधिकारियों का निषेध किया। एक दिन की बारिश में तो मोहल्ला परिसर में घरों में पानी घुस गया। करने के बावजूद जो गटर जो है बना रहे थे, लेकिन चाका होने की वजह से उसको लाइन अधूरी छोड़ के जाने की वजह से पानी जम रहा है यहाँ पे। इससे पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और अभी जो गटर नया बनाने को लिए तो आधा काम छोड़ने की वजह से वो यहाँ ये तकलीफ हो रही है, यहाँ पानी जमा हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर को बोला था, मैं आया था, सर्वे करने आया था, कुछ नहीं किया। वोट लेने के लिए बराबर आते, सब पूछते रहते। बहुत दिनों के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने पनवेल शहर को खुशहाली दी। 20 मिनट तक चली इस बारिश ने पनवेल के मोहल्ला नाका, MTNL परिसर, शिवाजी पुतला सहित कई अन्य जगहों पर पानी भर गया। बारिश के पहले नालों एवं गटरों की सफाई होना जरूरी था, लेकिन नाले की सफाई पूरी तरह नहीं हुई। मगर नाले की सफाई पूरी हो गई है, ऐसा ऐलान करने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर एवं नगरपालिका के अधिकारियों की इस बारिश ने पोल खोल दी। मोठे नाल्याची साफसफाई साधारणपणे आतापर्यंत 70% पर्यंत नाले सफाई झालेली आहे। महोदय सीईओ साहब, जरा यहाँ पर नजर डालिए, एक ही बारिश ने मोहल्ला नाका को पानी में डुबा दिया है। आपने तो नाले की सफाई 100% होने की घोषणा बड़े ही शान से की थी, तो क्या यहाँ सफाई की गई थी या नहीं? कांग्रेस ने कुठला ही पूर्व नियोजन न करता गटर साफ नहीं केले, काही नाही केला, आणि पनवेलचे वाशांना पाणी मध्ये सोडलेलं आहे। आज अर्धा तासाच्या पावसाळ्यामध्ये पनवेलचे मुस्लिम मोहल्ल्याचे एक दशा झालेली आहे। मला वाटते जर एक आहे का 5 तास पनवेलच्या मोहल्ल्यामध्ये मुस्लिम मोहल्ला पनवेल शहरामध्ये पाणी पडला तर हा मुस्लिम मोहल्ला निश्चितच बाढमध्ये डुबून जाईल, याची संपूर्ण जबाबदारी काँग्रेसचे या नगरसेवक व नगराध्यक्षवर राहील। कुठलाही नियोजन न करता त्यांनी या मोहल्ल्याला खारेवर सोडलेलं आहे। गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेसचा लूटमार चालू आहे। ती लूटमार आज तुम्ही या ठिकाणी पनवेलच्या मुस्लिम मोहल्ल्यामध्ये बघत आहात। जर त्यांनी गटर साफ केलेले तर हा पाणी वाहून गेला का नाही? या ठिकाणी गेल्या वर्षीही पाणी पडला होता, जून मध्येही पडला आणि जुलै मध्येही पडला, पण या ठिकाणी इतका पाणी कधी साचले ना जितका आज तुम्ही पाणी बघितलं आहे। या ठिकाणी सर्व पब्लिक पनवेलची टॉप इस्त्री मोठा दुकान आहे कपड्याचा, आज त्याच्या आतमध्ये जायला फक्त 2 इंच पाणी राहिला होता दुकानामध्ये जायला। आज इकडे हजारो लाखो रुपयाचा नुकसान झाला असता, त्याची भरपाई कोणी करून दिली असती? कॅमेरामन विजय खुटले के साथ कर्नाला टीव्ही के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट।